यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ में प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स कम्प्लीटली जो है वो खाली हो चुका है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको रख देते हैं साइड में और अब आ जाता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या है। तो देख सकते हैं ओनली इन्होंने पेपर से रैप करके और इसको पैक किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बेस, उसके बाद में इसका हेडलैम्प भी हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो गाइस कैसे असेंबल करना है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसके साथ में बल्ब नहीं मिलता है, बल्ब आपको अलग से परचेस करना होगा। इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी हमें इस प्रोडक्ट की देखने को मिलती है। तो ये आ चुका है बाहर। इसके मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटल का है और बहुत ही स्ट्रांग है। इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर हमें मिलता है एक प्लग और यहाँ पर है होल्डर जो हमारा रेगुलर होल्डर है जिसमें आप कोई भी बल्ब लगा सकते हैं इंडियन। और यहाँ पर आपको ये मिलता है लैम्प हेड। तो इसको आपको असेंबल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एक रिंग मिलेगी इस होल्डर में। इस रिंग को आपको खोलना है, खोलने के बाद में इसको पूरा बाहर निकाल लेना है और हमें इसको कुछ इस तरह से लगाना है कि ये जो रिंग है वो इस होल्डर के अंदर फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपको ये लगाना है और फिर से आपको इस रिंग को इसके अंदर लगा लेना है, इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली टाइट हो चुका है और बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए। ओवरऑल अगर साइज की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो साइज है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल साइज का ये टेबल लैंप है। और इसमें आपको बल्ब अलग से लगाना होगा, बल्ब इसके साथ में नहीं आता है। तो मैं आपको इसमें बल्ब लगाकर भी दिखाता हूँ इसको ऑन करके कि किस तरह का लुक इसका जो है वो आता है। यहाँ पर अगर इसकी साइज की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 फिट की इसकी साइज होगी। और यहाँ पर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एकदम डिसेंट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। इसका जो बेस है वो बिल्कुल मेटल का बना हुआ है तो बहुत ही स्ट्रांग है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर लैंप हेड की बात करते हैं तो इसकी भी जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी है। और अब मैं आपको इसको इसके अंदर बल्ब लगा कर दिखाता हूँ कि इसमें बल्ब लगाने के बाद में किस तरह से ये ऑन होने के बाद में किस तरह का लुक आता है। तो चलिए लेकर आते हैं बल्ब। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है बल्ब और फिलहाल मेरे पास ये एलईडी बल्ब रखा हुआ है जिसको मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो आपको इसको इसके अंदर लगा लेना है और देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये लग जाएगा। और इसको हम कर लेते हैं प्लग इन, उसके बाद में इसको करेंगे ऑन। तो गाइस प्लग इन भी हो चुका है और अब इसको करते हैं ऑन। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको इसकी देखने को मिलती है, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी है। साइज थोड़ी सी छोटी है लेकिन यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। गाइस इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको अलग अलग सेलर्स अलग अलग प्राइस पॉइंट पर प्रोवाइड करते हैं और ये आपको 450 रुपीज से लेकर 600 रुपीज की प्राइस में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर ही मिल जाएगा। इसको मैंने 566 रुपीज में ऑर्डर किया था। तो गाइस इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो साइज है वो डिसेंट है, ज्यादा बड़ी साइज नहीं है। अगर आपको थोड़ी बड़ी साइज में इस तरह के लैंप्स लेने हैं तो उसकी जो प्राइस होगी अराउंड 1000 रुपीज के आसपास होगी। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें, इसके रिव्यू की बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। साइज थोड़ी सी छोटी है लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्वालिटी बिल्कुल डिसेंट है, बहुत ही अच्छा लुक देती है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक ये देता है ऑन होने के बाद में। तो इसको आप अपने बेडरूम में इसको लगा सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आपको लगता है। यहाँ पर बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बंद होने के बाद में कुछ इस तरह का लुक आता है और ऑन करने के बाद में कुछ इस तरह का लुक आता है। तो मैं लाइट सारी ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे कि कम्प्लीटली किस तरह का लुक इसका देखने को मिलता है। तो गाइस लाइट्स मैंने ऑफ कर दी और देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो लुक है वो इसका आता है कम्प्लीटली लाइट्स ऑफ होने के बाद में।
ओके सो गाइस, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती रहती है। अगर आपको सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि मैंने इसको किस प्राइस में ऑर्डर किया है, और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। और यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आगे भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।